वेलकम टू आवर चैनल डिंग डोंगल्स। मैं पूजा, मैं साक्षी, मैं खुशी। एंड गाइस, आज का हमारा चैलेंज होने वाला है सॉल्व द रिडल चैलेंज। एंड आप देख सकते हो मेरे सामने एक बोल रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चिट्स हैं। एंड इन चिट्स के अंदर हमने बहुत सारी पहेलियां लिखी हुई है जिनको हमें सॉल्व करना है। एंड गाइस, ये जो चिट्स है ये हमारी टीम ने लिखी हुई है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर किस टाइप की पहेलियां यहाँ पे लिखी हुई है। एंड इन पहेलियों को सॉल्व करने के लिए, अपना फूड खत्म करने के लिए हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट। अगर 1.5 मिनट में हम अपनी पहेलियां सॉल्व कर लेते हैं तो हम फूड खाना स्टार्ट कर देंगे। एंड गाइस, अगर हम उसे 1.5 मिनट के अंदर खत्म भी कर देंगे तो यहाँ पे हमें 1 पॉइंट मिल जाएगा। और गाइस, हमारा ये चैलेंज होने वाला है 3 राउंड में। 3 राउंड में हम तीनों में से जिसके भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगा इस चैलेंज का विनर और बाकी दो को देगा पनिशमेंट। तो गाइस, जल्दी से अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो हम हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं साक्षी से। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से अपना फूड ले लेती हूँ और अपनी चेट पर चूज कर लेती हूँ। तो गाइस, फर्स्ट राउंड में मैंने लिया यहाँ पे पनीर पकौड़ा एंड साथ में चटनी। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी पहेली चूज कर लेती हूँ। गाइस, ये है मेरी पहेली। पंख नहीं उड़ती हूँ, हाथ नहीं लड़ती हूँ, लड़ती हूँ, पंख नहीं उड़ती हूँ, हाथ नहीं लड़ती हूँ। आई थिंक मुझे क्लिक हुआ। हाथ नहीं लड़ती हूँ। अच्छा, ओके। हाथ नहीं लड़ती हूँ, पंखा। अच्छा, पंख नहीं उड़ती हूँ। अच्छा, उड़ती भी है। पंख नहीं उड़ती हूँ, पंख नहीं है पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं है पर लड़ती हूँ। नया घड़ी तो नहीं हो सकता, घड़ी के तो हाथ ही हाथ होते हैं, पंख थोड़ी होते हैं। पंख नहीं उड़ती हूँ, उड़ता क्या है ऐसा? बैलून, पतंग, पतंग, पतंग। साक्षी की पहेली, पंख नहीं उड़ती हूँ, हाथ नहीं लड़ती हूँ, तो वो थी पतंग जो उसने गेस कर लिया। थोड़ा टाइम लिया बट गेस कर लिया। तो गाइस, इसी के साथ चलते हैं हमारी पूजा की तरफ। तो गाइस, फर्स्ट राउंड में मैंने लिया यहाँ पे एक समोसा एंड साथ में चटनी। तो गाइस, अब मैं चूज करती हूँ यहाँ पे मेरी पहेली एंड देखती हूँ कि मैं उसे सॉल्व कर पाती हूँ या नहीं। बहुत बड़ी सी है यार। तो पूजा स्टार्ट। जन्म दिया रात ने, सुबह ने किया जवान, दिन ढलते ही निकल गई उसकी जान। क्या? जन्म दिया रात ने और चांद। जन्म दिया रात ने, सुबह ने किया जवान, दिन ढलते ही निकल गई उसकी जान। दिन ढलते ही उसकी निकल गई जान। सूरज नहीं, ये तो है ही नहीं। जन्म दिया रात ने और सुबह ने किया जवान, ऐसा क्या है भाई? दिन ढलते ही उसकी निकल गई जान। तुझे पता है? दिन ढलते दिया रात ने, जन्म दिया रात ने, सुबह ने किया जवान, दिन ढलते ही उसकी निकल गई जान। इसकी जान निकल जाती है दिन ढलने पर? मुर्गा नहीं, वो तो कुड़कू करता है और जवान हो जाता है। सुबह ने किया जवान, दिन ढलते ही निकल गई उसकी जान। अरे यार, 1 मिनट समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा क्या। और अगर कुछ ऐसा नॉन हुआ तो गई मैं। जन्म दिया रात ने, उल्लू नहीं, उल्लू मेरे दिमाग में वही आ रहा था। नहीं, उल्लू नहीं है ना। नहीं, सुबह होते ही उसकी जान निकल गई, ऐसा क्या होता है? नहीं, दिन ढलते ही जान निकली। हाँ, सॉरी, शाम को, मतलब शाम को जान निकली, जान निकल गई। और 26, 27, 28, 29, 30 स्टॉप। तो गाइस, हमें तो ये समझ आया नहीं है, अब हम अपनी टीम से पूछ लेते हैं। तो बताओ टीम। गाइस, इसका आंसर है न्यूज़पेपर। और बेसिकली जन्म दिया रात ने, मतलब रात को प्रिंट हुआ, सुबह के टाइम सबके घर पे आया और दिन ढलने के साथ ही उसका मतलब खत्म हो गया। मतलब क्योंकि न्यूज़ ही खत्म हो गई तो क्या फायदा उसको रखने का। इसमें बहुत टाइम लगा, मैं जैसे यही सोच रही थी ऐसा क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला है, ना मुझे मिला है कुछ खाने को। तो चलते हैं आप खुशी की तरफ। तो गाइस, मेरे पास आई है पाइनएप्पल पेस्ट्री। एंड गाइस, अब मैं चूज कर लेती हूँ अपनी पहेली की चिट। ओके गाइस, ये है मेरी पहेली। तो खुशी रेडी? रेडी। ओके। काला मुंह लाल शरीर, कागज को वो खा जाता,
रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता, काला मुंह लाल शेर। अच्छा ओ, मुझे इसका आंसर मुझे पता है। खा जाता रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता अंडा। पेट फाड़ कर कौन ले जाएगा? काला मुंह लाल शरीर, कागज को वो खा जाता, रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता है इसका आंसर, बट मुझे ना एकदम क्लिक नहीं हो रहा, पर मुझे इसका आंसर मतलब क्योंकि पहली बार सुनी हुई है पहले कहीं। मैं ना वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर सकती हूँ अपना गेस ना करके बगल वालों का गेस कर। काला मुंह लाल शरीर कागज को पता चल गया। मेरे को ही नहीं चल रहा। काला मुंह लाल शरीर गाइस, यहाँ पे एक मिनट होने वाला है पूरा, इनफैक्ट हो चुका है यार। ये बहुत इजी है सच्ची, आई स्वेयर। मुर्गी, मुर्गी बहन, मुर्गी को कागज को वो खा जाता है। कौन खाता है कागज? खाता है वो इंसान। मैं बताऊँ पूजा, प्लीज प्लीज यार, कागज कौन खाता है? कोई जानवर भी नहीं खाता कागज तो। लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है उसका, ऐसा खोलो तो ब्लैक होता है ना। कागज खाता है शाम को, उसमें से कोई पेट फाड़ कर ले जाता है। अब मैं बोलूंगी मैंने कभी लेटर बॉक्स नहीं देखा, ये लोग फिर हंसेंगे। कार्टून में देखा होगा बहन, डोरेमोन में देखा होगा। सही बात तो ऐसी बातें कर देती है भाई। रियलिटी में नहीं देखा कभी। तो गाइज ये हमारी खुशी की पहेली जिसका आंसर है लेटर बॉक्स, जो कि गाइज मेरे को पता नहीं था, इन लोगों को पता चल गया, मेरे को भी अब पता चला है। तो बाकी पेस्ट्री यहाँ पे दे दो, इट्स ओके गाइज। यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है एंड जो पॉइंट है वो सिर्फ साक्षी के पास है, हम दोनों के पास कोई पॉइंट नहीं है। अरे ये बहुत अच्छा हुआ। गाइज अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। तो गाइज सेकंड राउंड में मैंने लिए यहाँ पे 3 पीस ऑफ स्प्रिंग रोल। तो गाइज अब मैं अपनी पहेली चूज कर लेती हूँ और देखती हूँ मैं गेस कर पाती हूँ या नहीं। गाइज ये है मेरी पहेली। ओके स्टार्ट। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शब्द था शुद्ध, अच्छा शुद्ध था पर पी कोई ना पाया। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर कोई पी ना पाया। अबे पहेली की क्या है, मजाक है? कुछ समझ नहीं आ। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी ना कोई पाया। यार ये तो बहुत अजीब सी है, नहीं आ रही समझ में, हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, टाइम। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, सारा खेत नहा गया, सौरा मतलब इतनी बारिश हो गई सारा खेत नहा लिया। चल आगे, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी ना कोई पाया, वो समझ नहीं आ रहा ना। देखी रात अनोखी वर्षा, एंड गाइस यहाँ पे एक मिनट हो चुका है हमारा। अच्छा हाँ, वो सारा खेत नहाया, बर्फ का गोला, ओले, खेत, यार कुछ सोच और। टैंक, टैंक, स्विमिंग पूल नहीं है। टाइम्स अप। तो गाइस हमें तो ये पहेली समझ नहीं आई है, अब हम पूछ लेते हैं हमारी टीम से। तो टीम क्या है? ओस। गाइस इसका आंसर है ओस। ओस होते हैं ना ऐसे पूरे रात ऐसे चलती रहती है, फिर सुबह देखते हैं, बट उसको कोई पी नहीं पाता है, वो बूंद की तरह टपकती रहती है। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अपनी पहली गेस नहीं कर पाई हूँ, साथ ही फूड भी खत्म नहीं कर पाई हूँ। तो अब चलते हैं हमारी पूजा की तरफ। तो गाइस सेकंड राउंड में मैंने लिया यहाँ पे स्पाइसी मैगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे फूड तो ले लिया, अब चूज करते हैं मेरी यहाँ पे पहली, देखते हैं मैं उसको गेस कर पाती हूँ या नहीं। ठीक है पूजा स्टार्ट। राजा महाराजाओं के ये कभी बहुत काम आया, संदेश इसने पहुंचाया सुबह हो या शाम, ये है कबूतर। ये तो मेरे को ही ये बहुत इजी था।
यहाँ पे अपना फूड भी खत्म कर लिया, तो पूजा को मिल चुका है एक पॉइंट। एंड गाइज ये थी मेरी पहेली जिसका आंसर मुझे बहुत ही इजी लगा, मतलब पढ़ते ही समझ आ गया कि हाँ ये कबूतर है। मतलब सोचो गाइज मेरे को भी एक बार पढ़ते ही समझ आ गया। तो गाइज हम चलते हैं हमारी खुशी की तरफ, देखते हैं वो अपनी पहेली सॉल्व कर पाती है या नहीं। तो गाइज इस राउंड में मेरे पास आई है पाव भाजी। तो गाइज अब मैं अपनी चिट चूज कर लेती हूँ पहेली की। तो गाइज ये है मेरी चिट एंड टाइम स्टार्ट। डिब्बा देखा एक निराला, ना ढकना ना ताला, ना पैंदा ना ही कोना, बंद है उसमें चांदी और सोना। अलमारी ढक्कन भी नहीं है ना। अच्छा डिब्बा एक निराला, हाँ तो अलमारी भी तो डिब्बा हो सकती है। ना ढकना ना ताला, ताला नहीं होता। चांदी और सोना किस में रखते हैं, वो जो बॉक्स आते हैं चांदी सोने वाले। हाँ हाँ और सोच उसमें ढक्कन होता है। हाँ हाँ तो इसमें ढक्कन नहीं है ना। अच्छा अंडा 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 आंसर सही है इसका। हाँ यार वो व्हाइट और येलो होता है ना उसके अंदर। हाँ वो व्हाइट और येलो होता है। ओके तो फिर हो जाता है यहाँ पे कुछ नहीं मिलता उसको खुशी को। एंड गाइस इसी के साथ इस राउंड में हमारे टोटल पॉइंट्स है, खुशी के पास है 1 पॉइंट, पूजा के पास है 1 पॉइंट एंड मेरे पास है यहाँ पे 1 पॉइंट। अब चलते हैं हमारे थर्ड राउंड की तरफ। तो गाइस लास्ट राउंड में मैंने लिए यहाँ पे 4 गोलगप्पे एंड 7 में उनका तीखा पानी। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी पहली की चिट चूज कर लेती हूँ। तो ओके ठीक है स्टार्ट। हरा आटा लाल पराठा मिलजुल कर सब सखी नोट। ये मेरे को आता है, एक मिनट इसका नाम मेहंदी। मेहंदी ओके पाइनएप्पल पेस्ट्री। एंड अब मैं चूज करती हूँ यहाँ पे मेरी पहेली। ओके स्टार्ट। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है। अरे गाइस ये एक ही फूल होता है और वो है अप्रैल फूल। yes. जो कि आने वाला है। पॉइंट आप देखते हैं खुशी के पास पॉइंट आता है या वो करती है पनिशमेंट हम दोनों की तरफ से। तो खुशी तैयार तैयार। तो गाइस इस राउंड में मेरे पास आया है मिर्ची पकोड़ा। तो गाइस मैं अपनी चिट चूज कर लेती हूँ, लास्ट ही बची है मेरी किस्मत। बची है स्टार्ट। ओके धूप देख मैं आ जाऊं, छांव देख शर्मा जाऊं, जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसमें समा जाऊं। परछाई। अबे परछाई क्यों होगी, शर्मा जाए। जब हवा पसीना। यस यस स्वेटिंग स्वेटिंग।
ये इसका डंठल है जो कि खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था और मुझे पॉइंट मिल चुका है। और गाइस यहाँ पे हमारे 3 राउंड खत्म हो चुके हैं और हमारे अब तक के पॉइंट्स है, मेरे पास है 2 पॉइंट्स, पूजा के पास भी है 2 पॉइंट्स और साक्षी के पास भी है 2 पॉइंट। इसका मतलब हम तीनों ही मिलकर करेंगे पनिशमेंट। तो गाइस यहाँ पे हम तीनों को ही 2-2 पॉइंट है। अगर हम तीनों में से किसी एक के पास 3 पॉइंट होते तो वो जीत जाता, लेकिन यहाँ पे सब इक्वली पॉइंट है। तो अब हम करेंगे पनिशमेंट। अगर हम तीनों के पास ही 3-3 पॉइंट होते तो हम करते हैं पनिशमेंट, बट अब हमें करनी पड़ेगी पनिशमेंट। तो गाइस चलते हैं हम तीनों के पनिशमेंट की ओर। तो गाइस हम तीनों आ चुके हैं अपनी बहुत ही मजेदार सी पनिशमेंट लेके। पनिशमेंट में हमें करना क्या है, ये है हमारा प्यारा सा बीन बैग, इसको हमें अपने मुंह पे मारना है, मतलब खुद नहीं। अगर मेरी टर्न है तो ये दोनों मिलके मुझे मारेंगे, अगर पूजा की है तो मैं और साक्षी, और अगर साक्षी की है तो मैं मेरी प्यारी पूजा। तो गाइस मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ हमें करना क्या है। जैसे आप देख सकते हो खुशी के हाथ में ये बीन बैग है, तो उसको एक डिस्टेंस पे खड़ा होना है, खड़ी हो जाता एंड मैं हूँ यहाँ पे उसका निशाना। तो मेरे जो ये हैंड है बेसिकली ऐसे हो जाएगी तुम दीवार से, अब ये मेरे मुंह पे फेंक के मारेगी ऐसे। और ऐसे इसको बचाना नहीं है, अभी तो हम सिर्फ ट्राई करके दिखाते हैं, तो पूजा ने बचाया वरना बचाना नहीं है। यस। और जो हाथ है ना वो एंड तक ऐसे नहीं रहेंगे, वो ऐसे के ऐसे हो जाने चाहिए ताकि वो छूट जाए। तो गाइस अभी हम ये पनिशमेंट स्टार्ट करते हैं खुशी से, मुझे पता था मेरा नाम रहने वाली है, मैं उधर से इधर से ले आई, मेरा नाम ना आ जाए। ठीक है खुशी तैयार? रेडी। ओके दिखाती हूँ उसे। 3-2-1 go वीडियो है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।